गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं दुर्खिम डिवीज़न ऑफ लेबर। तो आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर बाय इमिल दुर्खिम। उसमें इमिल दुर्खिम ने कहा है अपनी बुक में डिवीज़न ऑफ लेबर इन द सोसाइटी कि डिवीज़न ऑफ लेबर के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर एंड कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर, और दूसरा है मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो फर्स्ट में जब फर्स्ट अपने चेक करें तो फर्स्ट में दिया हुआ है सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर फाउंड इन प्रिमिटिव एंशिएंट सोसाइटी। उसका मतलब ये होता है कि उस टाइम के पहले के ज़माने में जब सभी इंसान एक ही वर्क करते थे तो सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर था। उसमें एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था कि सभी इंसान एक हंटर्स थे, ऑल मेंस वेर हंटर्स, सभी इंसान एक ही कार्य करते थे, वो हंटर्स थे, तो वो सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर। और फिर कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर उसमें बोला गया है, दुर्खिम ने बोला कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर फाउंड इन मॉडर्न सोसाइटी एन इंडिविजुअल स्पेशलाइज इन एनी पर्टिकुलर वर्क। कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर जो था वो मॉडर्न सोसाइटी में पाया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कोई ना कोई प्रकार के वर्क, कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं। जैसे अगर कोई एक इंसान, समझो मॉडर्न सोसाइटी में अगर कोई एक इंसान को कार बनाते आती हो तो वो एक स्पेशलाइज्ड है, उसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन है, तो वह है कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर। अब सेकेंड इज़ मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, जो सिंपल एंड डिवीज़न ऑफ लेबर एंड कॉम्प्लेक्स एंड डिवीज़न लेबर का एक टाइप का रिलेटेड ही है। तो इसमें दिया गया है कि मैकेनिकल सॉलिडरिटी इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब मैकेनिकल जो सॉलिडरिटी है वो एक ट्रेडिशनल वे में चलता था, जिसके अंदर हम सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर से वो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, कि सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर थे उसमें, तो है मैकेनिकल सॉलिडरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है वो है कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, जिसमें मॉडर्न सोसाइटी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें भी एक स्पेशलाइजेशन चाहिए था। तो इसमें इमिल दुर्खिम कह रहे हैं कि सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर एंड कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ रिलेटेड टू मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, तो बोथ इज सेम बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट दिया हुआ है दुर्खिम ने। ओके okay?